नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और एक बार फिर से आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। क्या है आज दिन की बड़ी खबरें? राहुल गांधी ने फिर से पर्चा भर दिया, अब की बार अमेठी से रोड शो किया और एक बार फिर टीवी चैनल की सुर्खियों में छाए रहे कुछ घंटों के लिए। पर लोगों का ध्यान इस बात ने खींचा कि रोड शो में माँ सोनिया, बहन प्रियंका के अलावा जीजा रॉबर्ट वाड्रा भी मौजूद थे और इस मौके पर प्रियंका के दोनों बच्चों की मौजूदगी के राजनीतिक विद्वानों ने अलग अलग मतलब बताए। अल्पेश ठाकुर कांग्रेस विधायक हैं, लेकिन कांग्रेस को ही झटका दे दिया, कांग्रेस छोड़ दी है पहले चरण के चुनाव के ठीक एक दिन पहले। कहा जा रहा है कि इसके पीछे वजह ठाकुर सेना है, जिसका दबाव था कि अल्पेश कांग्रेस छोड़े। साथ ही वो पाटन लोकसभा सीट से टिकट न मिलने के चलते भी नाराज थे। जलियांवाला बाग, इस नरसंहार के 100 साल होने वाले हैं, अभी भी उसकी बात हो रही है क्योंकि ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने उस पर खेद जताया है, कहा कि इस घटना और घटना से पैदा हुए कष्ट पर उन्हें गहरा दुख है। वहीं ब्रिटेन का विपक्ष कह रहा है कि आधा अधूरा खेद नहीं, पूरी माफी मांगी जाए। आपको बता दें कि इस माफी को लेकर कई दिनों से बातें हो रही हैं। नई सरकारें औपनिवेशिक काल की गलतियों के लिए माफी मांगने में थोड़ा हिचकती हैं, ये बहाने भी देती हैं कि इससे वित्तीय मुश्किलें हो सकती हैं। अब बारी बड़ी खबर की। आज दिन की एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आई। रफाल से जुड़े जिन दस्तावेजों को केंद्र ने चोरी का बताया था, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने सबूत के तौर पर कबूल कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में रफाल मामले पर सुनवाई हो रही है। कोर्ट एक बार सौदे को कानूनी तौर पर सही बता चुकी है, लेकिन अरुण शौरी, पूर्व मंत्री यशवंत सिन्हा और प्रशांत भूषण ने कोर्ट से फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की थी। नए दस्तावेज भी पेश किए थे। जो दस्तावेज मीडिया में सामने आए, उनके आधार पर दो दावे किए गए थे। पहला, इंडियन नेगोशिएशन टीम के कुछ सदस्यों ने रफाल सौदे की चुनिंदा शर्तों पर अपनी असहमति जताई थी, और दूसरा, रक्षा सचिव जी मोहन कुमार ने डील में प्रधानमंत्री कार्यालय के हस्तक्षेप पर एतराज जताया था। बाद में जी मोहन कुमार ने कहा था कि उनके द्वारा दिए गए डिसेंट नोट का संबंध सौदे की कीमत से नहीं था। रक्षा मंत्रालय ने अपनी ओर से कहा था कि मीडिया में लीक दस्तावेज में यह नहीं बताया गया है कि रक्षा सचिव की बात पर रक्षा मंत्री ने क्या कहा। रक्षा मंत्री ने, जो समय मनोहर पर्रिकर थे, रक्षा सचिव के नोट को ओवर रिएक्शन बताया था और कहा था कि वो प्रधानमंत्री कार्यालय के सचिव से मिलकर मामला सुलझा लें। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने अदालत में सरकार का पक्ष रखते हुए कहा था कि ये दस्तावेज अवैध तरीके से फोटोकॉपी और लीक किए गए हैं। इन दस्तावेजों को ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की सुरक्षा प्राप्त है और इन्हें पब्लिक करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 14 दिसंबर 2018 के अपने फैसले पर वो दोबारा विचार करेगी या नहीं, ये बात की सुनवाई में तय होगा। अब बात चुनाव आयोग की। बड़ा जिक्र हो रहा है, कोई कह रहा है कि बदमाशी कर रहा है, कोई कह रहा है कि अति सक्रिय हो रहा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र की पहली शर्त है नियमित और निष्पक्ष चुनाव। चुनाव नियमित और निष्पक्ष हों, इसकी जिम्मेदारी है चुनाव आयोग पर। जिन लोगों ने उत्तर सेशन काल में होश संभाला, टीएन सेशन की बात कर रहा हूँ, उनके लिए चुनाव आयोग असीमित ताकतों वाली संस्था है। तहसील कार्यालय के छोटे से छोटे पद पर बैठा सरकारी कर्मचारी जब चुनाव आयोग का आईकार्ड डालकर हाथ देता है तो बड़े से बड़े नेताजी की गाड़ी रुक जाती है, उसका सामान जब्त हो जाता है। लेकिन पिछले कई दिनों से चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ताज़ा उदाहरण है तृणमूल कांग्रेस के नेता सांसद डेरेक ओब्रायन का। डेरेक ने निर्वाचन आयोग को निराशा आयोग कहा है। आगे ये भी जोड़ा कि कुछ लोगों के लिए तो निर्वाचन आयोग निकम्मा कमीशन तक बन गया है। डेरेक चुनावी राजनीति में हैं और नेताओं का इस तरह बयान देना कोई नई बात नहीं है, लेकिन डेरेक का इल्ज़ाम गंभीर प्रवृत्ति का है। उनकी बात का संदर्भ जानने के लिए हमें बंगाल के कूचबिहार चलना होगा। 9 अप्रैल 2019 को चुनाव आयोग ने कूचबिहार के पुलिस कप्तान अभिषेक गुप्ता का तबादला कर दिया। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि 7 अप्रैल को कूचबिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में तृणमूल से भाजपा में आए नेता मुकुल रॉय ने एसपी को हटाने की धमकी दी और 48 घंटे के भीतर उसका तबादला चुनाव आयोग ने कर दिया। तृणमूल ने इसे केंद्र के इशारे पर हो रही कार्रवाई बताया। चुनाव आयोग ने इससे पहले जब भी पुलिस अधिकारियों का तबादला किया है, तृणमूल विरोध जताती रही है। ये जांच का विषय है कि चुनाव आयोग ने जिन पुलिस अधिकारियों का तबादला किया, उसके पीछे क्या कारण था। लेकिन हम इतना उल्लेख जरूर करना चाहते हैं कि चुनाव आयोग की कार्रवाई पहली बार नहीं हो रही।
2005 में बाबूलाल गौर को हटाकर शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया था। शिवराज को सीएम बनने के बाद विधायकी जीतनी थी। चुनाव के लिए बुधनी सीट पर प्रचार के दौरान शिवराज के साथ सीहोर कलेक्टर की एक तस्वीर सामने आई, जिसे लेकर कांग्रेस ने हंगामा खड़ा किया। बुधनी सीहोर जिले में पड़ता है। शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने तत्परता से सीहोर के कलेक्टर का तबादला कर दिया। चुनाव के लिए ऑब्जर्वर भी लगा दिए जो शिवराज की पदयात्रा के पीछे चले। ये उदाहरण देने की वजह क्या है? वजह यह है कि चुनाव आयोग की ये जिम्मेदारी है कि अगर कहीं से शिकायतें आ रही हैं कि ब्यूरोक्रेसी सत्ताधारी दल के जो राज्य में है दबाव में काम कर रही है, तो चुनाव आयोग जांच करता है, कार्रवाई करता है, कई मामलों में क्लीन चिट भी देता है। शिवराज के चुनाव वाले उदाहरण से तृणमूल के सवालों का एक जवाब मिलता है, लेकिन न तृणमूल का सवाल एक है और ना ही वो अकेले सवाल उठा रही है। रिटायर्ड IAS, IPS और IFS अधिकारियों के एक समूह ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और तीनों चुनाव आयुक्तों को एक चिट्ठी भी भेजी पिछले दिनों। इसमें उन्होंने कहा, चुनाव आयोग विश्वसनीयता के संकट से जूझ रहा है, केंद्र में सरकार चला रहे दल द्वारा आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन हो रहा है, लेकिन आयोग सख्ती नहीं कर रहा। इस चिट्ठी में 9 मिसालें भी दी गई, जिनमें से 2 हम आपको अलग से बता रहे हैं। पहली, 27 मार्च 2019 को ASET का परीक्षण और उसके बाद प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन। प्रधानमंत्री खुद भी एक चुनावी प्रत्याशी है। चुनाव आयोग ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन नहीं माना, क्योंकि प्रधानमंत्री के बयान के लिए किसी सरकारी सूचना माध्यम जैसे दूरदर्शन या ऑल इंडिया रेडियो का इस्तेमाल नहीं हुआ था। दूसरी चीज, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में सीनियर अधिकारियों के तबादले हुए हैं, लेकिन तमिलनाडु में नहीं, जबकि यहाँ के DGP पर CBI जांच चल रही है। विपक्षी पार्टियों ने DGP को हटाने की मांग भी की है। ब्यूरोक्रेट्स की भेजी चिट्ठी में और भी कई मुद्दों की तरफ ध्यान दिलाया गया था, लेकिन उन पर 10 अप्रैल के रोज आयोग की तरफ से ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई। जैसे विवेक ओबरॉय की फिल्म PM नरेंद्र मोदी, मोदी के जीवन पर बनी इस फिल्म पर सेंसर बोर्ड से यू सर्टिफिकेट मिल गया था, लेकिन आयोग ने कहा है कि किसी राजनीतिक दल या हस्ती का मकसद पूरा करने वाली फिल्म का प्रसार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं किया जा सकता, यानी PM नरेंद्र मोदी चुनाव प्रक्रिया खत्म होने तक रिलीज नहीं हो पाएगी। चुनाव आयोग से जुड़े सूत्रों ने दावा किया है कि यही आदेश NaMo TV और इरोज नाव पर चल रही वेब सीरीज मोदी अ कॉमन मैन्स जर्नी पर भी लागू होता है। इससे पहले चुनाव आयोग राजनीतिक दलों द्वारा सेना या सेना से जुड़े प्रतीकों के इस्तेमाल पर भी रोक लगा चुका है। ये रोक कितनी प्रभावी है आप सबको नजर आ रहा है। तो प्रचार सामग्री के मामले में चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाई, लेकिन यही सख्ती प्रचारकों पर दिखाई हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। राजस्थान के गवर्नर कल्याण सिंह, जो कि पूर्व भाजपा नेता हैं, बाबरी मस्जिद विध्वंस के वक्त UP के CM थे, उन्होंने भाजपा के पक्ष में बयान दिया है। चुनाव आयोग ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना, लेकिन ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई जिसके बाद दूसरे नेता ऐसा बयान जारी करने से हिचके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पीछे नहीं, वो लगातार सेना और धार्मिक प्रतीकों पर भाषण दे रहे हैं। वो कह चुके हैं कि युवा अपना पहला वोट पुलवामा के शहीदों को समर्पित करें, कैसे ये नहीं बताया, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं तो अपील कमल पर बटन दबाने की ही होगी। वर्धा में मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस को पूरी दुनिया के सामने हिंदुओं को बदनाम करने के लिए कैसे माफ किया जा सकता है। मोदी ये बात हिंदू आतंकवाद शब्द के संदर्भ में कह रहे थे, लेकिन कोई नादान ही कहेगा कि यहाँ धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगा जा रहा। मोदी लगातार माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का उल्लेख कर रहे हैं। भारतीय राजनीति में इन शब्दों को क्रमशः मुस्लिम और हिंदू पढ़ा जाता है। मोदी की पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह भी पीछे नहीं थे। नागपुर में एक रैली के दौरान उन्होंने राहुल गांधी की वायनाड वाली रैली के बारे में बयान दिया। बोले कि राहुल का जुलूस देखकर समझ नहीं आता कि भारत का जुलूस है कि पाकिस्तान का। अमित शाह व्यस्त व्यक्ति हैं, लेकिन कितने व्यस्त हैं कि अखबार नहीं पढ़ पाते। साफ लिखा मिलता है, वो हरा झंडा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, ये पार्टी है, इलेक्शन कमीशन से मान्यता प्राप्त है, इस देश में दशकों से है और संविधान के दायरे में काम कर रही है, उसका झंडा था। योगी आदित्यनाथ हैं, जिन्हें भारत की सेना मोदी की सेना लगती है, और मायावती हैं, जो मुसलमानों को चेतावनी देती हैं कि अपना वोट बटने मत देना। हम आम में सब नंगे हैं, कोई ज्यादा कोई कम। चुनाव प्रक्रिया भी कुछ दिन और चलेगी। जो सवाल आयोग पर उठ रहे हैं वो उनका जवाब अपने काम से दे सकता है। कैसे? जैसे उस आदमी ने दिया था जो कहता था, I eat politicians for breakfast। जी, T.N. Session। उन्होंने एक जमाने में राजीव गांधी का करीबी माने के टैग को किनारे रख दिया, ऐसा काम किया बतौर चुनाव आयुक्त कि उनकी ईमानदारी पर किसी को शक नहीं रहा। राजीव की हत्या के बाद सेशन ने केंद्र सरकार से बिना पूछे लोकसभा चुनाव स्थगित कर दिए। वो सुपरमैन नहीं थे,
उन्होंने संविधान में प्रदत्त शक्तियों का ही इस्तेमाल किया बेलगाम नेताओं की नकेल कसने के लिए, और ये तय किया कि निर्वाचन आयोग को कोई साइडकिक ऑफ गवर्नमेंट कहने की हिम्मत ना करे। शेषन के बारे में लोग कहते थे कि भारत में नेता सिर्फ दो लोगों से डरते हैं, भगवान और टीएन सेशन, और सेशन कहते थे चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, वो सरकार का मातहत नहीं होता है नहीं ही होगा। हम उम्मीद करते हैं कि मौजूदा चुनाव आयोग इस बात का ख्याल रखे। अब बातें फिल्मों की। दो विवेकों की दो फिल्में, दोनों के भविष्य पर एक बड़ा सा प्रश्नवाचक चिन्ह। दोनों फिल्मों पर बीजेपी का प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप। पहली फिल्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक, दूसरी फिल्म विवेक अग्निहोत्री की द ताशकंद फाइल्स। किसने रोकी ये फिल्म? पहले पीएम की बायोपिक की बात करते हैं। चुनाव आयोग ने, आयोग ने कहा कि जब तक लोकसभा चुनाव खत्म नहीं हो जाते फिल्म नहीं आएगी। लेकिन अब आपका सवाल आएगा कि कल ही तो सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म पर रोक लगाने से मना किया था, तो आज उसकी बात कैसे पलट गई? उसका जवाब भी है। पहले ये जान लीजिए कि कल हुआ क्या था। कल सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका रद्द की थी। क्या कहा था इसको रद्द करते हुए? कि अगर फिल्म चुनाव में किसी पक्ष पर असर डालती है तो ये देखना चुनाव आयोग का काम है। कोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयोग को ही ये तय करना होगा कि फिल्म आचार संहिता का उल्लंघन कर सकती है या नहीं। आज क्या हुआ? आज पहले तो फिल्म को सेंसर बोर्ड का यू सर्टिफिकेट मिला। जब तक फिल्म वाले इस बात का जश्न मनाते, चुनाव आयोग ने इस पर रोक लगा दी। कहा कि इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया या सिनेमा के किसी दूसरे मीडियम पर यह फिल्म नहीं दिखाई जा सकती। ये अकेली फिल्म नहीं है जिस पर रोक लगी, एनटीआर लक्ष्मी और उद्यमा सिंघम जैसी फिल्मों पर भी रोक लगी है, यानी हर ऐसी फिल्म पर जिसका पॉलिटिकल कनेक्शन है। चुनाव आयोग ने एक कमेटी का गठन भी किया जो ऐसे मामलों की गहराई से जांच करेगी। आप सवाल करेंगे कि एक फिल्म से क्या हो जाता, तो उसके जवाब में चुनाव आयोग का तर्क सुनिए। आयोग कहता है कि ऐसी किसी भी फिल्म से बाकी की पार्टियों को अपनी बात कहने का पूरा मौका नहीं मिलता। इस बीच इंटरनेट पर एक तस्वीर और वायरल हुई। रिलीज होने के पहले ही नरेंद्र मोदी बायोपिक को IMDB, ये एक वेबसाइट है जिस पर फिल्मों को रेटिंग दी जाती है, इसमें 10 पे 10 की रेटिंग मिल चुकी थी। इसका खूब मजाक उड़ाया गया। अब फिल्म का क्या होगा? आएगी नहीं आएगी, कब आएगी? फिल्म बनाने वाले कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में क्या होगा, ये आगे आगे जैसे पता चलेगा हम आपको सूचित करते रहेंगे। ऐसी एक और फिल्म द ताशकंद फाइल्स, विवेक अग्निहोत्री की फिल्म, 12 अप्रैल को रिलीज होने जा रही थी। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हत्या है या साजिश है या सावधानी के चलते हुई, इस पर पूरी फिल्म थी। निर्माता निर्देशक विवेक अग्निहोत्री को लीगल नोटिस भेजा गया है फिल्म के बारे में। नोटिस भेजा है खुद लाल बहादुर शास्त्री के पोते प्रभाकर शास्त्री ने। नोटिस में क्या लिखा है? लिखा है कि शास्त्री जी की मौत नेचुरल डेथ से हुई थी। फिल्म फिजूल विवाद पैदा करने की कोशिश कर रही है, इससे लोगों की भावनाएं आहत होंगी। विवेक अग्निहोत्री इससे आहत हैं। उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि मेरे सूत्रों से पता चला है कि इसके पीछे कांग्रेस की टॉप फैमिली का हाथ है। शास्त्री जी के पोते कांग्रेस में सेक्रेटरी रहे, चुनाव भी लड़ चुके हैं। उन्होंने 7 अप्रैल को दिल्ली में ये फिल्म देखी थी और इसकी तारीफ भी की थी, मुझे थैंक यू बोला था। अब वो गांधी परिवार के दबाव में है, इसलिए उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। शास्त्री परिवार को आगे करके गांधी परिवार मेरी फिल्म रोकने की कोशिश कर रहा है। विवेक अग्निहोत्री ने यह भी कहा कि यदि फिल्म से आपत्ति थी तो ट्रेलर रिलीज के बाद अब तक चुप क्यों थे, और ये भी कहा कि हमारी फिल्म का ट्रेलर तो खुद लाल बहादुर शास्त्री के बेटे ने रिलीज किया था। बात फिर वही पहुंचती है, फिल्म का भविष्य क्या होगा? ये कोर्ट कचहरी में जाएगी या चुनाव आयोग वाले कमेटी की नज़र में चढ़ेगी और रिलीज नहीं हो पाएगी, देखने का विषय है। विवेक अग्निहोत्री का कहना है कि हम सारे लीगल ऑप्शंस को खंगालेंगे। अब बात करते हैं पड़ोसी की। आपको याद है बीजेपी के लोग 3 बातें लगातार कहते आए हैं। पहली, कुछ लोग पाकिस्तान में हीरो बनना चाहते हैं। दूसरी, कांग्रेस जीती तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। और तीसरी, कांग्रेस वही भाषा क्यों बोलती है जो पाकिस्तान बोलता है। अब यही 3 बातें बीजेपी को उल्टी पड़ गई हैं, और इसकी वजह है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की कही एक बात। इमरान ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर इंडिया में भाजपा दोबारा जीतती है तो शांति वार्ता बेहतर ढंग से होने की उम्मीद है। साथ ही ये भी जोड़ा कि अगर कांग्रेस की अगुवाई में सरकार बनी तो वो कश्मीर मुद्दे को हल करने से पीछे हट सकती है, क्योंकि तब विपक्ष में भाजपा होगी जो सरकार पर दबाव डालेगी कि पाकिस्तान से बात ना करो।
अब इसी बात को पकड़कर विपक्ष प्रधानमंत्री पर हमला बोल चुका है, क्योंकि इसका मतलब यह निकाला गया कि पाकिस्तान चाहता है कि मोदी भारत में जीते और पाकिस्तान जिसे अच्छा कह दे वो भारत का दुश्मन होता है। ऐसी समझ है कई लोगों की, ये कोई नियम नहीं है, लेकिन ये इक्वेशन खुद बीजेपी की बनाई हुई है जिसमें अब वो खुद फंस गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर पूछा, पाकिस्तान मोदी जी को क्यों जिताना चाहता है? मोदी जी देश को बताएं कि पाकिस्तान के साथ उनके कितने गहरे रिश्ते हैं। मोदी अगर जीते तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। याद रखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने बिहार के रक्सौल में 2015 के विधानसभा चुनाव में ये जुमला उछाला था कि अगर बिहार में बीजेपी हारी तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। केजरीवाल को आज मौका मिला तो उन्होंने भी जोक दाग दिया, एक नारा भी दिया, पाकिस्तान में मचा शोर, नरेंद्र मोदी वंस मोर। उधर लेफ्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी वो तो यहां तक कह गए कि पिछले साल खबर आई थी कि ISI भी यही चाहती है कि मोदी प्रधानमंत्री बने। ऐसा ही ट्वीट कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का भी आया। उन्होंने कहा कि पहले नवाज शरीफ से प्यार और अब इमरान खान आपका चहेता यार। कुल जमा इमरान खान की एक बात ने विपक्ष को बीजेपी पर जबानी हमले का मौका दे दिया। ये आरोप क्षणभंगुर है, मौका मिला तो लगा दिए गए। बीजेपी को जब मौका मिलता है तो वो खुद भी यही करती आई है। ये बीजेपी के लिए एक सबक भी है, बाकी पार्टियों के लिए भी सबक है। पाकिस्तान के जो लोग वहाँ का सैन्य तंत्र, वहाँ का राजनीति तंत्र भारत से दुश्मनी रखते हैं, वो एक देश के तौर पर हमसे दुश्मनी रखना चाहते हैं, ना कि कोई पार्टी देखकर। अपनी राजनीति में पाकिस्तान को लाना बंद करिए। राजनीति करने को हमारे पास देश में बहुत सारे मुद्दे हैं। पढ़ाई का मुद्दा है, दवाई का मुद्दा है, बिजली, सड़क, पानी का मुद्दा है, सुरक्षा का मुद्दा है, सबको बराबरी के हक का मुद्दा है। इन पर लड़िए, जबानी ढंग से बहस करिए और देश के लोकतंत्र को मजबूत करिए। आज के ललन टॉप शो में बस इतना ही। अपना और अपनों का और अपने देश का, अपने लोकतंत्र का भरपूर ख्याल रखिए। कल पहले चरण की पोलिंग है। मेरी सभी मतदाताओं से हाथ जोड़कर अपील है कि 5 साल बेबसी में नहीं गुजारना चाहते, प्लीज़ घर से निकलिए, वोट ज़रूर डालिए। जो अच्छा लगे, जो भी कैंडिडेट, जो भी पार्टी, उसको वोट डालिए, मगर घर पर मत बैठे रहिए, अपना हक मत जाया करिए। शुभ रात्रि।